समर संघ में एक समर संघी का फोन आया कि एक व्यक्ति जो बुद्धिजीवी वर्ग से आता है उसने कोई स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट जारी करने से, अपनी बात कहने से कुछ लोग, कुछ समुदाय, कुछ संगठन उसके पीछे पड़ गए और उन्होंने उसके खिलाफ एक FIR कर दी। इसमें समर संघ कैसे उसकी मदद करेगा, समर संघ को उसकी मदद करनी चाहिए, जो समर संघी हैं उनका ये प्रश्न जब समर संघ में आया, वहां मंत्रणा और विचार हुई तो बहुत सारी बातें वहां क्लियर हुई। जो बातें क्लियर हुई हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट, ऐसे घटनाक्रम बहुत आएंगे जब कोई एकल व्यक्ति, अकेला व्यक्ति या एक दो व्यक्ति या एक दो व्यक्ति का कोई संस्था, कोई समूह कोई स्टेटमेंट जारी करेगा और उस स्टेटमेंट पे एक झगड़ा बचेगा और जो इमोशनल लोग होते हैं, जो भावनात्मक लोग जुड़े हुए होते हैं, भावना से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग एक साथ ही बिना सोचे समझे उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसा मानकर के इस व्यक्ति ने समाज के हित में कुछ कहा है और कुछ लोग अगर इसके विरोध में है तो हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। पहले ये ध्यान दें कि अगर कोई एकल व्यक्ति है और एक अकेला व्यक्ति है या एक दो व्यक्ति है या कोई एक छोटी मोटी ऐसी संस्था है तो वो ऐसे स्टेटमेंट क्यों जारी करते हैं या ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वक्तव्य क्यों जारी करता है जिससे कि एक शांत वातावरण में तूफान सा आ जाए या तूफान वाले वातावरण में और ज्यादा उछाल आ जाए। क्या उसका मकसद है, क्या पर्पज है और इससे सोसाइटी को, समाज को या जैसे समर संघ है इसको क्या फायदा है और क्या नुकसान है, पहले इसको सोच लें। एकल व्यक्ति, जो अकेले व्यक्ति होते हैं और जो कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिनको कुछ जानकारी होती है या जिनके पास ऐसा स्टेटस है कि जिससे समाज उनको बुद्धिजीवी या उनको ज्ञाता या जानकार मानता है, वो जानकार हो या ना हो पर स्टेटस और डिग्री कुछ ऐसी चीजें हैं या बहुत ज्यादा पैसा, ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी बिना सोचे समझे ये मान लेता है कि ये बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी, बहुत ज्यादा जानकार, बहुत ज्यादा समझदार है। डिग्री होने से समझदारी का कोई लेना देना है नहीं। कोई आदमी बहुत डिग्री रख सकता है पर उसका सामाजिक कार्य और असामाजिक कार्य और उसका एकल कार्य इस बात को बताता है कि उसकी डिग्री उसकी रोजी रोटी के लिए है या समाज के लिए भी उपयोगी हो रही है। और कोई व्यक्ति अगर डिग्री लेके नहीं आया है, कोई मजदूर है, किसान है, रिक्शा चलाता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, छोटा मोटा धंधा करता है या बेरोजगार भी है या बूढ़ा है या कमजोर है या गांव में है या शहर में है या कस्बे में है, वो भी बहुत समझदार हो सकता है, डिग्री वाले से ज्यादा समझदार हो सकता है। उसको सहज ज्ञान यानी प्राकृतिक और नेचुरल नॉलेज और जानकारी उस डिग्रीधारी से बहुत ज्यादा हो सकती है। और ऐसे उदाहरण कबीर साहब और जितने भी संत हैं उनके साथ में प्रूव्ड है, वो पहले से ही घोषित हैं, पहले से ही उनको अजमाया जा चुका है, देखा जा चुका है। इसलिए जो व्यक्ति एकल है, अकेला है, जब वो समाज के भाव पे, समाज के नाम पर कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो उससे समाज को क्या फायदा होने वाला है ये देखना चाहिए और उस व्यक्ति को क्या फायदा होने वाला है वो देखना चाहिए, समाज को क्या नुकसान होने वाला है वो देखना चाहिए
और उस व्यक्ति को क्या नुकसान होने वाला है वो व्यक्ति खुद देखे। कोई व्यक्ति भावना में आके, जोश में आके और बिना सोचे समझे अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात जारी कर देता है जिसका परिणाम पूरे समाज को नुकसान में जाता है, तो वो व्यक्ति सही कार्य नहीं कर रहा है। और अगर वो अकेला व्यक्ति है तो उसकी कोई जिम्मेदारी भी समाज के लिए है नहीं। अगर कोई समूह, कोई संघ या कोई संगठन उसके पीछे खड़ा हुआ है, या वो उसका मेंबर है, या उसने अपना जीवन उस समूह, उस संगठन या उस संघ को दिया है, और संघ ने या समूह ने या संस्था ने या ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ये कहा है कि आपको ये स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, तब उस समूह की, उस संस्था की, उस संगठन की, वो जो लोगों का जमवाड़ा है, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर उस सामूहिक स्टेटमेंट को जो एक व्यक्ति ने जारी किया है उनके बिहाफ पर अगर उसमें कुछ नुकसान होता है तो वो पूरा संघ, पूरा संगठन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ खड़ी होनी चाहिए, उसको खड़ा रहना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। पर कोई व्यक्ति अगर खुद ही रोज रोज कोई स्टेटमेंट जारी करे और झगड़े में हाथ डाले, घी में और आग डाले, तो ये देखना चाहिए कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। क्या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या वो अपनी प्रशंसा प्रसिद्धि पाना चाहता है, या वो कोई पद और पोस्ट पाना चाहता है जैसे MLC का है, या कहीं काउंसलर का है, या MLA का है, या राज्यसभा का है, या मंत्री पद का है, कुछ भी हो सकता है, या कहीं वो कुछ किसी के इशारे पर कर रहा है, या किसी ने उसको घी पकड़ा दिया है कि जाके आग में डालो और खूब ऐसे स्टेटमेंट दो। तो ये सारी बातें समाज को, सोसाइटी को सोचनी चाहिए। कोई एकल व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या डिग्री वाला है, या बहुत ज्यादा पैसे वाला है, या बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी कोई भी बात समाज के बिहाफ पे नहीं मानी जा सकती। अगर वो समाज के सभी धड़ों से नहीं जुड़ा हुआ है, या समाज ने उसको नहीं कहा है, हमारी जो व्यवस्था है जो अभी तक चल रही है उसमें हमारे पास में 29 लाख संगठन तो हैं और 29 लाख संगठनों के मालिक भी हैं, पर इन 29 लाख संगठनों को एक सेंट्रलाइज सिस्टम में, एक केंद्रीयकृत सिस्टम में एक जगह लाकर, इकट्ठा कर सामूहिक रूप से सामाजिक बात या संघ की बात को एक व्यक्ति कहे पूरे संघ या समाज के बिहाफ पर, ऐसी व्यवस्था हम बना नहीं पाए अभी तक। इसलिए ये जो एकल लोग हैं, ये इसलिए कि शायद उन्हें कुछ करना है, शायद इसलिए कि वो जो प्रताड़ना है वो देखकर उनको आग लगती है, शायद डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के बाद में वो शांत नहीं बैठ पाते, या वो जो ये दुनिया में चल रहा है उसको वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे स्टेटमेंट देने से ये चीजें दूर हो जाएंगी, या उनको लगता है कि आग में और आग डालने से आग शांत हो जाएगी, या उनको लगता है कि हमने इस बात का जवाब जो गाली आई है गाली से दिया है तो हमने बड़ा काम किया है, या उनको लगता है कि ये जो बात उल्टी कही है हमने उससे भी ज्यादा उल्टी बात कही है तो इससे उल्टी बात सीधी हो जाएगी। ये बातें बेकार की बातें हैं जो महापुरुषों ने, खासतौर से बुद्ध जो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने बताया है कि वैर से वैर शांत नहीं होता। एक स्टेटमेंट किसी ने खराब दिया है और आप उसके बदले में दो स्टेटमेंट खराब दो या उससे ज्यादा खराब दोगे तो ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बेवकूफी है। ये आप अपनी ऊर्जा, अपने समाज की ऊर्जा, अपने लोगों की ऊर्जा, सब ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। इसका तरीका यह है कि आपको कंस्ट्रक्टिव काम करने चाहिए, आपको अपने अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, और जोड़कर जो दूसरे लोग हैं जिनका दूसरा बड़ा समूह है या दूसरा बड़ा संघ है या दूसरा बड़ा संगठन है उससे ज्यादा लोगों का बनाना चाहिए, तब वैर से वैर शांत हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि शिकार उसी का किया जाता है जो कमजोर होता है, और शिकारी वही होता है जो ताकतवर होता है। जो संघ में रहता है वो शिकारी होता है, और जो संघ से बाहर रहता है वो शिकार होता है। इसलिए संघ हमेशा से शिकार करेगा और जो संघ से बाहर लोग रहेंगे उनके शिकार होंगे। अलग अलग जो 29 लाख संगठन है उनका भी शिकार होगा, क्योंकि वो अलग अलग है, इकट्ठे नहीं है। अगर वो इकट्ठे हो जाए एक साथ तो संघ बन जाएंगे, तो वो संघ बनना जानते नहीं, या वो अलग अलग पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको पैसा इकट्ठा करने का लालच है, या वो अलग अलग पद पोस्ट चाहिए, उनको नेतागिरी चाहिए, उसका उनको लालच है, या उनके अंदर अहम और अहंकार है, या उनको समाज से कोई मतलब है नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई भी बात हो सकती है।
सारी बात भी हो सकती है। इसलिए संघ ने यह निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति, बेशक वो कितना ही ढोल बजाए कि वो सामाजिक है, वो समाज के लिए लड़ेगा मरेगा, वो एक से एक स्टेटमेंट देगा, पर ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बेवकूफी है। संघ ने यह निर्णय लिया कि संघ उसके पीछे खड़ा होगा जो संघ के साथ खड़ा होगा। पहले संघी संघी के लिए खड़ा होगा, पर संघ से इतर यानी संघ से अलग कोई व्यक्ति, बेशक वो संघी भी है और वो कोई स्टेटमेंट दे देता है, जैसे संघ ये कहता है कि कभी किसी से चंदा नहीं लेंगे, ना पहले लिया है ना पैसा लेंगे, और कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे दे कि संघ अब चंदा लेगा या पर्ची काटेगा, तो ये संघ की स्टेटमेंट नहीं है, उसकी जो उसकी मूल प्रिंसिपल है, उसके जो उसके आधार स्तंभ है उसके विपरीत है, तो ये संघ की स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, बेशक वो संघी है, किसी ने कहा नहीं, तो संघ उसको पनिश करेगा, संघ उसको दंड देगा और बाकी जो स्टेटमेंट उसने दिया उसको खारिज करेगा, क्योंकि संघ की स्टेटमेंट संघ जब बैठता है तभी जारी होती है और वो सबको पता होती है, उसको संघादिशेष बोलते हैं, संघ का आदेश बोलते हैं। पूरा संघ बैठता है, प्रस्ताव आता है, बहस होती है, तर्क होती है, या एक ध्वनि मत से या हाथ उठाकर एक साथ अगर पारित हो जाता है तो फिर बहस की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वो जो व्यक्ति जिन्होंने ये कहा था कि क्या हमें पीछे खड़े होना चाहिए, तो सभी संघियों को यह समझना चाहिए कि संघ की पॉलिसी के विपरीत, संघ के नियमों के विपरीत अगर कोई बात होती है तो वो संघ की बात नहीं है, संघ उसमें नहीं जाएगा। और कोई व्यक्तिवाद में, एकल व्यक्ति है, व्यक्तिवाद में जाता है, अपनी स्टेटमेंट जारी करता है, तो वो उसकी एकल व्यक्तिवाद की खुद की स्टेटमेंट है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है, उसने समाज से पूछा नहीं है, उसने संघ से पूछा नहीं है, उसने समाज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, वो अपनी मर्जी से चल रहा है, उसका मोटिव कुछ और हो सकता है पर सामाजिक नहीं हो सकता, क्योंकि जब समाज से जुड़ा ही नहीं, संघ से जुड़ा ही नहीं, लोगों का समूह उसने बनाया नहीं, ना जोड़ता है ना जुड़ता है और अकेला रहता है, तो अकेला व्यक्ति तो ऐसा होता है जैसे कि हवा के अंदर कोई चार्ज एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो घूमता रहता है और अनंत वो कहीं ना कहीं टकरा कर अपनी एनर्जी खत्म कर देता है, उसका कोई परिणाम नहीं आता। पर संघ में जो चार्ज एलिमेंट है वो एक तार के थ्रू यानी संघ के थ्रू बहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और वो बिजली का रूप लेते हैं और उस बिजली से सारे काम होते हैं, उससे फ्रिज भी चलता है, उससे कूलर भी चलता है, उससे प्रकाश भी होता है, उससे लैपटॉप भी चलता है, उससे मोबाइल चार्ज भी होता है, उससे ट्रेन भी चलती है, उससे बैटरियां चार्ज होती हैं, सारे काम उससे होते हैं। इसलिए जो संघ में रहेंगे और संघ के तार के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और अपनी एनर्जी संघ को देते रहेंगे, वो एक विशाल विद्युत का रूप, करंट का रूप वो पैदा कर लेंगे, और तब वो 440 वोल्ट, 220 वोल्ट और 11000 वोल्ट और 22000 वोल्ट और 10000 वोल्ट, वो सारे के सारे जो वोल्ट हैं, वो करंट हैं, वो करंट सब लोगों को सुख देंगे और ऊर्जा देंगे। इसलिए संघ हमेशा संघी के पीछे रहेगा, जो संघ में अपना काम करेगा और जो संघ के अनुसार काम करेगा। एकल व्यक्ति की जिम्मेदारी संघ की नहीं होती है, एकल व्यक्ति को पहले संघ में आना चाहिए, संघ के लिए काम करना चाहिए, संघ के अनुरूप काम करना चाहिए और फिर संघ जो कहे वो मानना चाहिए। संघ अगर उससे कहे कि ये स्टेटमेंट जारी करनी है तो वो स्टेटमेंट जारी करे और फिर उसके पीछे संघ खड़ा होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट संघ की होगी, तब संघ को फायदा होगा, तब देश को फायदा होगा, तब लोगों को फायदा होगा, अन्यथा नुकसान ही नुकसान होगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं।
इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।